हमारे यहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर बाहर आते जाते हैं, जितने भी घर के कामकाज के सिलसिले में हैं, अगर जॉब्स में हैं तो वो मर्द हैं, वही बाहर से आके हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि ना हम खुद किसी से मिले थे ना घर से बाहर गए थे। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि ये कोविड है क्या। ज़ाहरी बात है मेल जाके किसी ना किसी तरह वैक्सीन लगा लेते थे, लेकिन जब तक हुकूमत ने LHWs के थ्रू ये प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से घर घर जाके मुहिम शुरू नहीं की हुई थी, तो फीमेल की रसाई जो है वो वैक्सीन तक भी नहीं थी। पाकिस्तान जो कि सनफी मसावात के इंडेक्स में पहले से ही बस्त तरीन दर्जे के करीब है, कोरोना वायरस ने सनफी अदम मसावात को मजीद अबतर कर दिया है। एक चौथाई से जायद पाकिस्तानी खवातीन मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमतों से हाथ धो बैठी। मजीद बरां लॉकडाउन के दौरान घर में बच्चों की मौजूदगी ने खवातीन पर देखभाल का इजाफी बोझ डाला, जिससे उनके मुआशी मौके कम हुए। मुआशी नुकसान के अलावा कोरोना वायरस ने खवातीन और मुआशरे के पसमानदा तबकात के लिए ज़रूरी सेहत और दीगर खिदमात को भी मुतासर किया। अकाउंटेबिलिटी लैब एक गैर सरकारी और गैर मुनाफे बख्श थिंक टैंक है, जिसका मकसद शहरियों को बुनियादी सहूलियात की बेहतर और बआसानी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। लैब मुल्क भर में मुतहर्रिक और ज़िम्मेदार शहरियों की हौसला अफजाई और हकूमती इदारों में खुद एहतसाबी के अमल को फ़रोग देने के लिए काम कर रही है, और इस मकसद के लिए शहरी और हकूमती सतह पर जदीद तरीक़ाकार मुतारफ़ करवा रही है, ताकि वसाइल का माली शफाफियत के साथ बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। गवर्नेंस प्रोजेक्ट का आगाज 2021 में महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के इश्तराक से किया गया। गवर्नेंस के तीन बुनियादी मकासद थे, जिसमें से पहला था पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की आवाज़ को ऐसे मामलों में मजबूत किया जा सके जो उनके ज़िंदगी के मुआशी और माशरती पहलुओं को मुतासर कर सकती हैं। कौमी और सूबाई हुकाम की तरफ से इमदादी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना, ताकि पसमानदा आबादियों खास तौर पर खवातीन की वबाई अमराज और मुस्तकबिल की सेहत की हंगामी सूरत हाल के लिए तवील मुद्दती मुदाफ़त को मजबूत किया जा सके। कोरोना वायरस से मुतल्लिका हिफ्ज़ान सेहत के तरीकों के बारे में पसमानदा आबादियों में आगाही और दस्तयाब इमदादी खिदमात और प्रोग्रामों में इजाफा करना। गवर्नेंस प्रोजेक्ट का एक बुनियादी मकसद ये भी था कि पाकिस्तान में खवातीन की गवर्नेंस में जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाया जा सके। अकाउंटेबिलिटी लैब ने प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट से 60 बाअसर खवातीन रहनुमाओं की निशानदेही की, और हकूमत में खवातीन के किरदार को बेहतर बनाने के लिए मौसर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी, फैसला साजी, मवासिलात और हिकमत साजी पर उनकी सलाहियतें बेहतर कें। ये तीन हदफ वाले अजला में जामे तरबीती वर्कशॉप्स के सिलसिले के जरिए किया गया। बाद तरबियत याफ्ता खवातीन लीडरों ने पसमानदा तरीन कम्यूनिटीज़ की कुल 1800 खवातीन के साथ 60 अवामी आगाही सेशंस का इनेकाद किया, और इस अमल में उन्हें मौसर फैसला साजी, क़यादत, गवर्नेंस के अमल में खवातीन की शिरकत की अहमियत और गलत मालूमात से मौसर तरीके से निमटने के तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया। मज़ीद बरां खातून रहनुमाओं ने मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की 700 नौजवान तालिबात के साथ भी इसी तरह के आगाही सेशंस का इनेकाद किया। सूबाई सतह की एक मीडिया मुहिम का आगाज भी किया गया, जो कि गवर्नेंस में खवातीन के किरदार और सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान कोरोना वायरस से मुतल्लिक गलत मालूमात का मुकाबला करने और हकूमत की तरफ से बेहतर खिदमात की फराहमी पर मरकूज थी। इस मुहिम में रेडियो पैगामात और न्यूज़ बुलेटिन शामिल थे, जिनके जरिए हदफ वाले इजला से तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों तक रसाई हासिल की गई। प्रोजेक्ट से प्रोग्राम में शामिल खवातीन को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करने के लिए टाउन हॉल मीटिंग्स का इनेकाद किया गया, ताकि वो अपने मसाइल पर हकूमती अहदेदारान के साथ बराह रास्त बात कर सकें। इन मुलाकातों ने हकूमती नुमाइंदों और सबसे ज़्यादा कमज़ोर कम्युनिटीज़ की खवातीन के दरमियान बराह रास्त रवाबित कायम किए। इन मुलाकातों के ज़रिए खवातीन के पेश करदा कई मसाइल भी हल किए गए। गवर्नेंस प्रोजेक्ट को हकूमत की तरफ से हौसला अफजा जवाब मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अकाउंटेबिलिटी लैब की कि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इतनी मैसिव मोबिलाइजेशन की है, और जिस तरह इफेक्टिवली इन्होंने तीन अजला में काम किया है, इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की
ये वो इदारे हैं कि जो फील्ड में काम करते हैं, ये गवर्नमेंट के वो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एक्चुअल सर्विस डिलीवरी करनी है, ये उनके रोल के लिए एक जो कम्युनिटी गवर्नेंस का लेवल है ये उसको इंश्योर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमे बशमूल सेहत, तालीम, महकमा समाजी बहबूद, मुहतसिब ऑफिस, ज़िले हुकूमतें और नादरा के नुमाइंदे इस मंसूबे में शामिल थे। अकाउंटेबिलिटी लैब ने हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में कोविड 19 के सिलसिले में और ख़ासकर जो वल्नरेबल ग्रुप से मार्जिनलाइज पीपल हैं, वुमेन और डिसेबल और इस तरह के सेक्शन के लोग, उन पर बहुत बड़ा काम किया है। हम उनके काम से बड़े मुतमईन हैं और इसके नतीजे में ये हुआ है कि हमारे जितने भी कोविड वैक्सीनेशन की या इस तरह की जो कवरेज थी वो बड़ी इंक्रीज़ हुई है। इस तरह की एक्टिविटीज़ फ्यूचर में भी जारी मतलब होने चाहिए ताकि कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है या जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी और में होगी जितनी कि ख्वातीन में होती है, कि वो एक ही वक्त में हर जगह अपने बच्चों की केयर से लेकर उनको पढ़ाने तक, अपनी जॉब, अपनी फैमिली का मिलना मिलाना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, तो ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर लेती हैं। मैंने खुद पे यकीन करना सीखा, मैंने खुद, मुझे अपनी एबिलिटी खुद नहीं मालूम थी। मैं हाउस वाइफ थी और 23 साल से मैं हाउस वाइफ थी। काफ़ी अवेयरनेस आई है हमने और हम लोग बहुत कुछ खुद से हैंडल करने के काबिल हो गए और हमें ये आदत आई है कि हम लोग एक चीज़ डिस्कस कम से कम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई इसके लिए हमें कहाँ किससे रابطہ करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए।